सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप भी एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो गाइस ऐसे में आप लोग अपने फोन में ट्विटर एप्लीकेशन का जरूर यूज करते होंगे। लेकिन गाइस, जब भी आप लोग अपने फोन में ट्विटर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो गाइस आपका ट्विटर एप्लीकेशन तो ओपन हो जाता है एंड गाइस उसके बाद आपको वहां पर बहुत सारी ट्वीट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइस, आप जब भी उन ट्वीट्स को रीट्वीट करना चाहते हो या फिर कह लो उन ट्वीट्स को लाइक करना चाहते हो, यानी कहने का मतलब आप जब भी उन ट्वीट्स को रीट्वीट करना चाहते हो तो गाइस आप जैसे ही रीट्वीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस आपके सामने कुछ तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पर लिखा हुआ होता है योर अकाउंट एंड जो भी आपके अकाउंट का नेम होता है इज करंटली सस्पेंडेड। तो गाइस ऐसे में आप लोग अपने ट्विटर अकाउंट से किसी भी ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर पाते हो और ना ही किसी ट्वीट को आसानी से अपने अकाउंट से लाइक कर पाते हो। तो गाइस ऐसे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है एंड गाइस ऐसे में आप लोग अपने अकाउंट को यूज नहीं कर पाते हो। तो गाइस अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही आप एंड गाइस आपका भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो गाइस ऐसे में आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका यूज अगर आप लोग अपने फोन में करते हैं तो गाइस आपका जो भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है वो आसानी से अनसस्पेंड हो जाएगा और उसे आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। देन उसके बाद आप लोग उस ट्विटर अकाउंट से किसी भी ट्वीट को रीट्वीट कर पाएंगे, देन उसके बाद लाइक भी कर पाएंगे। सो ये सब करने के लिए आपको वीडियो कट तक जरूर देख लेना, जिससे कि आपको जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, जो भी स्टेप्स बताने वाला हूं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देन उसके बाद आप लोग अपने किसी भी ट्विटर अकाउंट को, सस्पेंड ट्विटर अकाउंट को आसानी से अपने फोन में अनसस्पेंड कर सकते। हे गाइस, आई एम साहिल एंड यू वाचिंग साहिल टेक टेक यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गाइस आपको यहां पर ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, अपने फोन में किसी भी सस्पेंड ट्विटर अकाउंट को दोबारा से अनसस्पेंड करने के लिए सबसे पहले आप जब भी किसी भी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं तो गाइस आपको यहां पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ऑप्शन मिलता है डिसमिस का एंड दूसरा ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है गो टू twitter.com। इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन गाइस अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आता है तो ऐसे में आपको अपने फोन के किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना है। देन उसके बाद आपको वहां पर टाइप करना है ट्विटर अपील। जैसे आप लोग यहां पर इतना टाइप करके सर्च करते हैं तो गाइस आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। लेकिन गाइस आपको यहां पर फर्स्ट वेबसाइट क्लिक करके उसे अपने फोन में ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग उस वेबसाइट को अपने फोन में ओपन करते हैं तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड गाइस, जो भी आप लोग अपना वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, इस वेब ब्राउजर को आपको अपने फोन में डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आप लोग यहां पर नीचे देखेंगे, डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस आपका जो भी इंटरनेट ब्राउजर है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट यहां पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट में आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का, तो आपका जो भी ट्विटर अकाउंट है उस ट्विटर अकाउंट को आपको इस वेबसाइट में यहां पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लोग अपने ट्विटर अकाउंट को इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर देना। तो गाइस फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है वेयर आर यू एक्सपीरियंसिंग दिस इशू। तो गाइस इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहां पर जैसे क्लिक करते हैं तो गाइस आपके सामने यहां पर बहुत सारे इंटरनेट वेब ब्राउजर्स के नेम आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइस आप लोग यहां पर जो भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं अपने फोन में तो उस वेब ब्राउजर को आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं यहां पर मोबाइल वेब ब्राउजर यूज कर रहा हूं तो इसे मैंने यहां पर अपने फोन में सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपको नीचे यहां पर ऑप्शन मिल जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम का, तो गाइस आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिख देना है माय ट्विटर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, प्लीज अनसस्पेंड माय ट्विटर अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में इतना टाइप करने के बाद आपको यहां पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है फुल नेम का, तो गाइस आपका जो भी फुल नेम है फुल नेम को आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। देन उसके बाद आपको यहां पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है ट्विटर यूजर नेम का, तो गाइस आपके ट्विटर अकाउंट का जो भी यूजर नेम है उस यूजर नेम को आपको यहां पर इंटर कर देना है। उसके नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है योर ईमेल का, तो गाइस आपका जो भी मेल आईडी है उस मेल आईडी को जो भी आपने ट्विटर अकाउंट से लिंक रखी, अगर आपके पास वो मेल आईडी आप इस समय यूज कर रहे हैं तो उसको आप लोग यहां पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास वो मेल आईडी नहीं है तो आप लोग यहां पर इस समय जो भी मेल आईडी यूज कर रहे हैं उस मेल आईडी को आप लोग यहां पर फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहां पर मेल आईडी को अपनी यहां पर इंटर कर देते हैं उसके नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है फोन नंबर का, तो गाइस आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहां पर इंटर कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन को यहां पर इंटर कर देते हैं कंप्लीट फॉर्म को यहां पर फिल कर देते हैं उसके बाद इस फॉर्म को आपको यहां पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग इस फॉर्म को यहां पर सबमिट
सबमिट करते हैं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपके सामने लिखा होगा आई एम नोट आ रोबोट। तो गाइस आपको यहाँ पर एक टिक यहाँ पर लगा देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक टिक लगा देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ होगा योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड टू ट्यूटर। एंड गाइस इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर 24 से 48 घंटों का वेट करना है, जिसके बाद आपने जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंस्टाग्राम टीम के लिए जो भी मेल आईडी अपनी एंटर की थी उस मेल आईडी पर आपको इंस्टाग्राम टीम एक मेल करके आपको बता देगी कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो सस्पेंड से अनसस्पेंड कर दिया गया है और गाइस आप लोग इस अकाउंट का अब यूज कर सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।